दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में टेक मास्टर्स एजुकेशन में। और आज का वीडियो जो हम लेके आए हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली कोर्स के सेकंड चैप्टर के बारे में हम इसमें सीखेंगे। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है प्रोसेस एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने अकाउंटिंग के पहले स्टेप यानी जर्नल एंट्री को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हर किसी काम को करने का एक तरीका होता है, यानी वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हम इसमें नॉलेज लेंगे, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस तरीके का हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे उस मेथड को क्या बोलते हैं और उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मैं हूँ अजय, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है वो है प्रोसेस एंड मेथड ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यानी अकाउंटिंग में जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है जर्नल एंट्रीज पोस्ट करना। मतलब डे बाय डे जो आपको वर्क मिलता है वो आप अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपनी बुक्स में नोट करते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो जर्नल एंट्री हमारा है उसको अगर मैं नोट कर रहा हूँ तो उसके लिए कोई मेथड तो होगा, कोई तरीका तो होगा कि जर्नल एंट्री में आप डेली की लेन देन जो होती है वो किस तरह से आप नोट करो। तो उसके लिए जो मेथड होता है, मेथड फॉर जर्नल एंट्रीज, वो कौन सा मेथड हमारे लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो उस मेथड का नाम जो है वो, तो हम जो अपनी एंट्रीज के लिए यूज़ करते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। देखो अकाउंटिंग का रूल जो है वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी लेन देन कर रहे हो तो उसमें कम से कम दो पक्ष जरूर होंगे, ठीक है। तो जिसमें दोनों ही पक्षों को नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एक पक्ष को नोट करते हो तो आपके पास डिटेल क्लियर पूरी नहीं आएगी, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि भाई मैंने 100 रुपये का कुछ सामान खरीदा, तो यहाँ पर दो पक्ष अफेक्ट हुए हैं, एक तो सामान मेरे पास आया है और एक मेरे पास से पैसा गया है, यानी दो पक्ष अफेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो हमें उन दोनों को ही नोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हमने लिख दिया हमने भैया सामान लिया, नहीं, ये चीज़ अगर आप लिखोगे तो आपको क्लियर डिटेल, एक फाइनलाइज डिटेल आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर आपने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदी है तो 100 रुपये की वैल्यू की वो चीज़ आपके पास में आ गई है और 100 रुपये का उतना कैश आपके पास से चला गया है, यानी जितना अमाउंट आपने दिया है वो अमाउंट किसी आइटम की शेप में बन के आपके पास में आया भी है। तो दोनों चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा। लेकिन इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में एक चीज़ आई है और एक चीज़ गई है, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम दोनों पक्ष को लिखेंगे तो हमें उसे दर्शाना पड़ेगा कि कौन सा पक्ष आ रहा है और कौन सा पक्ष जा रहा है। क्योंकि अगर मैंने दोनों पक्ष ऐसे सिंपल लिख दिए कि भाई मान लो मैंने पेन खरीदा था कि पेन और फिर पैसा गया, पेन लिया मैंने तो पैसा गया, तो पेन लिखा मैंने और कैश भी लिख दिया, तो दोनों पक्ष लिख दिया तो पता कैसे चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने पेन बेचा, ऐसा भी तो हो सकता है मैंने पेन खरीदा। तो यहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं उस चीज को दर्शाने के लिए कुछ सिंबल तो होने चाहिए, है ना। तो वो सिंबल कौन कौन से हैं डबल एंट्री के डबल एंट्री सिस्टम में, एक तो है डेबिट और एक है क्रेडिट। यानी किसी भी एंट्री में कम से कम दो पक्ष आएंगे और दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होंगे, तो उन्हें विपरीत दर्शाने के लिए हमें एक पक्ष को डेबिट में लिखना पड़ेगा और एक पक्ष को हम उसमें क्रेडिट में लिखेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे से विपरीत हैं। लेकिन कब कौन सा पक्ष डेबिट होगा और कब कौन सा पक्ष क्रेडिट होगा वो हमारे डिपेंड करेगा हम किस तरह के खाते से लेन देन, किस तरह के पक्ष से लेन देन कर रहे हैं और उस खाते या पक्ष को किस नियमों के अनुसार डेबिट में किया जाता है या फिर क्रेडिट में किया जाता है, है ना। इसको देखो थोड़ा सा और इजी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं, है ना, तो मान लो मेरे पास 10 नंबर्स की कमी है तो मैं उसे किससे दर्शाता हूं, माइनस से। और अगर मेरे पास 50 अंक ज्यादा हैं तो मैं उसे किससे दर्शाता हूं, प्लस से। तो यानी संख्या तो वही है, मान लो 10 की कमी थी और 10 अधिक थे, तो अंक तो देखो यहां पे दोनों सेम हैं लेकिन
इन सिंबल्स की, इन साइंस की वजह से हमें पता लग गया कि यहां पे तो ये कमी वाले हैं, यहां पर ये पॉजिटिव वाले हैं, है ना। तो यही चीज यहां पर है कि खाते तो कभी भी आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके सामने डेबिट का साइन रखा है या क्रेडिट का साइन रखा है तो इसका मतलब उनका मतलब उनका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी हम एंट्री करते हैं तो उसमें दो पक्ष तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, है ना, क्योंकि एक पक्ष पे कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। जो दो पक्ष आएंगे दोनों में एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, ठीक है, ये क्लियर है हमारा, ठीक है। अब हम उस पक्ष को यानी उस एंट्री को हम जर्नल एंट्री के अंदर, ये जर्नल एंट्री के अंदर नोट कैसे करेंगे, उसका अपना एक डिजाइन होता है, ठीक है, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर वो नोट करेंगे। तो हम बात करते हैं अब उसके फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये आ गया फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री क्या होता है, इस तरह से एक फॉर्मेट आपका उस बुक में लिखा होता है जिसमें हर दिन की हम एंट्री नोट करते हैं, जिसमें पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर यानी विवरण, यानी इसके अंदर हम अपनी मेन एंट्री लिखेंगे। एक होता है आपका लेजर फोलियो, ये क्या होता है लेजर फोलियो, इसके बारे में हम बाद में आप बात करेंगे कि ये होता क्या चीज है, ठीक है। एक होता है अमाउंट डेबिट का और एक होता है अमाउंट क्रेडिट का, यानी कि जो पक्ष डेबिट हुआ उसका अमाउंट डेबिट में, जो पक्ष क्रेडिट हुआ उसका अमाउंट क्रेडिट में, ठीक है। अब एंट्री को लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है, देखो सबसे पहले वो डेट डल जाती है आपकी जिस डेट की आप एंट्री नोट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर, जो भी खाता डेबिट होता है तो डेबिट में लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हमारे पास एंट्री में जो वर्क आता है वो खातों से संबंधित आता है, खाते यानी पक्ष, है ना। तो उस खाते को हम डेबिट करने का तरीका क्या है, खाते का नाम लिखा, ठीक है, और लास्ट में डीआर से शो करा दो कि ये डेबिट है और उसका अमाउंट डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद मान लो डेबिट वाले खाते खत्म हो गए हमारे, अब क्रेडिट को लिखने की बारी है, सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं। तो क्रेडिट को लिखने की बारी है, तो क्रेडिट को लिखने का तरीका क्या है, यहां से ये स्पेस छोड़ो थोड़ा सा और फिर यहां पे लिखो टू, ठीक है, और वो जो खाता क्रेडिट होना है उस खाते का नाम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके लिए क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे टू से दर्शा दिया, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सेक्शन को टू या क्रेडिट से भी दर्शा सकते हैं और डेबिट सेक्शन को डेबिट या फिर बाई से भी दर्शा सकते हैं। तो दोनों का एक एक हमने एग्जांपल यहां पे ले लिया, लेकिन हमें इसी तरह के डिजाइन को फॉलो करना है। तो जो क्रेडिट अकाउंट आपका हुआ उसका अमाउंट हम यहां पे क्रेडिट में शो कर देंगे। इसके बाद हमारी ये एंट्री पूरी हो गई कंप्लीट, लेकिन एक थर्ड लाइन यहां पर होगी जो ब्रैकेट में लिखी जाती है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। ये ऑप्शनल होता है, लिख दोगे तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि इस एंट्री का मीनिंग जो है एक आम आदमी को भी पता लग जाता है। नरेशन का मतलब होता है कि ये जो एंट्री मैंने पोस्ट करी है ये क्या चीज है। तो इसको आसान भाषा में लिख देते हैं कि फॉर या बींग करके हम लिख सकते हैं, फॉर एक्सपेंसेस पेड, यानी मैंने खर्चे चुकाने की एंट्री लिखी है यहां पे, फॉर गुड्स परचेज यानी मैंने माल खरीदने की एंट्री करी है यहां पे, फॉर गुड्स सोल्ड यानी मैंने माल को बेचने की एंट्री करी है यहां पे, ठीक है। तो ये जो थर्ड लाइन होती है हमारी, ये वाली, ये नरेशन होती है। इसको हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, इसलिए ये ऑप्शनल कहलाती है। तो जो तीन लाइनें हैं ये, अब मेरी ये एंट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हुई है। इसी तरह फिर दूसरी एंट्री करनी होती है हमें, तो फिर यहां पे नेक्स्ट उस एंट्री की डेट और वो एंट्री यहां पे हम लिख देंगे। तो ये देखो अमाउंट, जो भी अकाउंट डेबिट हुआ उसका अमाउंट डेबिट में और जो भी अकाउंट क्रेडिट हुआ उसका अमाउंट क्रेडिट में। अब बात आती है जी, हमारे पास अकाउंटिंग का जो भी वर्क आता है उसमें अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, यानी जर्नल एंट्री में जो काम आएगा वो अकाउंट्स से आएगा मेरे पास, उन अकाउंट्स को मेरे को लिखना पड़ेगा इस जर्नल एंट्री में, जो भी उन अकाउंट्स की लेन देन होगी। लिखेंगे कैसे, इस मेथड का इस्तेमाल करके, किस मेथड का, डबल एंट्री सिस्टम का, जिसमें कुछ साइट्स डेबिट हो जाएंगी और कुछ साइट्स क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। और उसका डिजाइन क्या है, उसका डिजाइन ये है। लेकिन हमें एक चीज ये नहीं पता कि जब मेरे पास कोई लेन देन आएगी तो उस लेन देन में कुछ पक्ष होंगे यानी खाते होंगे, उन खातों में कुछ डेबिट हो जाएंगे कुछ क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन कब कौन सा खाता डेबिट होगा और कब कौन सा खाता क्रेडिट होगा इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। यानी डिजाइन तो क्लियर है मेरा, लेकिन मैं उसे लिखूंगा कैसे, कब कौन से खाते को डेबिट करना है कब कौन से खाते को क्रेडिट करना है, ये हमें पता नहीं है। तो यानी हमारे पास में फॉर्मेट तो आ गया, लेकिन उस फॉर्मेट में हम एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे ये हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमारा अगला स्टेप होता है, क्या होता है वो, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है, यानी जर्नल एंट्रीज को लिखने के लिए क्या नियम है,
ठीक है। तो मैंने बताया था जनरल एंट्री में जो वर्क आता है वो अकाउंट्स से आता है, पक्षों से आता है। तो अकाउंट्स क्योंकि हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो तीनों के लिए जनरल एंट्री के मेथड के नियम अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो अकाउंट का टाइप है वो पर्सनल अकाउंट है, यानी व्यक्तिगत खाता। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है व्यक्तिगत खाता, यानी यहाँ पे व्यक्ति की या व्यक्ति के समूह की बात होगी। तो इसका नियम क्या है, देखो ऑल रिसीवर, अगर किसी भी लेन देन में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ चीज प्राप्त कर रहा है, पाने वाला व्यक्ति है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, तो हम उसे डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीचे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो गुड्स सोल्ड टू रमेश, तो यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि रमेश को माल बेचा। तो इस एंट्री में देखो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, जो जो भी एंट्री आपको दी गई होती है बस आपको उसका मीनिंग समझना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नया नहीं सोचना है कि भैया मैंने माल बेचा तो पैसे मिले होंगे, नहीं, जब वो मिले होंगे वो बता दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मिले नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा है गुड्स सोल्ड टू रमेश, रमेश को माल बेचा, तो आपको वहीं तक सोचना है, ठीक है। तो गुड सोल्ड टू रमेश, तो इस एंट्री में क्या हो रहा है, रमेश को माल बेचा जा रहा है, यानी रमेश कौन हो गया, रिसीवर हो गया। हम क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पर्सनल अकाउंट को ही देखेंगे, हम इनको नहीं देखेंगे अभी गुड्स या कैश, नहीं, हम केवल पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पर्सनल अकाउंट को देखते हैं। तो गुड सोल्ड टू रमेश, रमेश को माल बेचा है, यानी रमेश कौन हो गया, माल को प्राप्त करने वाला। तो यहां पर प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, रमेश। तो रमेश को हम यहां पर क्या कर देंगे, एंट्री जब भी हम इसकी लिखेंगे तो रमेश हमेशा कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, यानी कहां जाएगा हमारा रमेश, रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि जरूरी थोड़ी ना अगर कोई किसी लेन देन में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यानी पर्सनल अकाउंट आता तो वो हमेशा डेबिट ही होगा। हो सकता है हम किसी एंट्री को पढ़ रहे हैं और हमें वहां पता लग रहा है कि वो पर्सनल अकाउंट यानी वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वो देने वाला व्यक्ति है, यानी वो कोई चीज हमें दे रहा है, हमें दे रहा है कुछ भी चीज है वो दे रहा है, तो यहां पर वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यानी पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, देखो ये थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला कैश रिसीव्ड फ्रॉम राशिद, तो कैश मिला, प्राप्त हुआ किससे, राशिद से। तो क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैश वैश को अभी नहीं सोचेंगे, हम केवल राशिद को देखते हैं। तो राशिद कौन हो गया, यहां पे कुछ प्राप्त थोड़ी ना कर रहा है राशिद, राशिद क्या कर रहा है, दे रहा है, क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है 700 रुपए, तो वो देने वाला व्यक्ति हो गया राशिद। तो राशिद को यहां पे देने वाला व्यक्ति मानेंगे हम, तो देने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, क्रेडिट, यानी राशिद क्या आ जाएंगे, क्रेडिट के अंदर जाएंगे, ठीक है, ओके। तो एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम ये सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, कैश पेड टू मोहन, तो मोहन जो है यहां पे है ना, ये मोहन इस एंट्री के हिसाब से क्या कर रहा है, कैश पेड टू मोहन, यानी मोहन को भुगतान किया जा रहा है, यानी मोहन जो है वो प्राप्त कर रहा है, भुगतान कितने रुपए का, 2000 रुपए का, यानी पाने वाला व्यक्ति हो गया जी ये, तो हम इसको साफ डेबिट कर देंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल की, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रवि, तो हमने माल खरीदा है रवि से, तो वही बात है, हम गुड्स की बात नहीं करेंगे यहां पे क्योंकि हम इस समय पर्सनल अकाउंट समझ रहे हैं केवल, तो हम रवि की बात करेंगे। तो रवि के साथ कैसा रिलेशन है, गुड्स परचेस फ्रॉम रवि, तो रवि से हम माल खरीद रहे हैं, यानी रवि हमें क्या कर रहा है, माल दे रहा है, तो वो देने वाला व्यक्ति हो गया, इसके लिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि देने वाला व्यक्ति क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो दोस्तों ये जो हमने बताया यहां पर, ये बताया हमने रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री में पर्सनल अकाउंट के नियम क्या है, यानी पर्सनल अकाउंट से संबंधित कोई पक्ष अगर हमारे पास में जर्नल एंट्री में आता है तो उसे कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है, ये चीज हमने सीखी। अब आता है हमारा सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप हमारा क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो सेकंड टाइप हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब पता है, देखो नाम से पता लग रहा है, वास्तविक खाता, यानी यहां पर एक वस्तुएं आती हैं, क्या आती हैं, वस्तुएं, यानी निर्जीव चीजें। तो वो बहुत सिंपल सी चीज है, ऑल कम्स इन, यानी सभी आने वाली वस्तुएं, अगर किसी एंट्री को, किसी लेन देन को आपको आप पढ़ रहे हो और उसमें पता चलता है कि वो चीज आ रही है मेरे पास, है ना, तो सभी आने वाली वस्तुएं क्या हो जाएंगी, हमारी डेबिट हो जाएंगी। और अगर उस एंट्री को आप पढ़ रहे हो और उस एंट्री में ये पता लगता है कि सभी जाने वाली वस्तु की बात हो रही है उसमें, तो वो चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, सबसे पहले जैसे पहला एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया फर्नीचर परचेज, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, वस्तु है ना, तो फर्नीचर परचेज यानी खरीदा, तो फर्नीचर आया है, ऐसा तो नहीं है कि हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर चला जाता है, नहीं, फर्नीचर खरीदा है मैंने, वो मेरे पास में आया है, इसका मतलब इस फर्नीचर को हम किस साइड पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे, है ना, नहीं, कहां लिखेंगे,
डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर जो है वो आने वाली वस्तु है ना, तो हम उसको फर्नीचर को डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है एग्जांपल नंबर दो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो कैश क्या है, हमारी वस्तु है, मोहन के बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस समय रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट की जरा सोचो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो कैश प्राप्त हो रहा है मोहन से, यानी ये भी हमारे पास आने वाली वस्तु है, तो इसको भी हम कहां पे लिख देंगे, डेबिट में। इसी तरह हम थर्ड वाले एग्जांपल को पढ़ते हैं, मशीन सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, मशीन मतलब मशीन, मशीन मैंने बेची है, तो यानी मशीन मेरे पास से चली गई है ना, तो ये क्या बन गई, जाने वाली वस्तु, तो क्या हम इसको डेबिट लिख देंगे, नहीं भाई, हम इसको लिखेंगे क्या, क्रेडिट, क्योंकि क्या कहा गया है नियम के अनुसार कि जाने वाली वस्तु, सभी जाने वाली वस्तु कहां होती है, क्रेडिट में लिखी जाती है। इसी तरह हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं अपना, कैश पेड टू राम, हमने राम को भुगतान किया, पैसा दिया, तो कैश पेड टू राम क्या हो गया, हम राम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस समय हम बात कर रहे हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट में ये जो कैश है हमारा, जो हमने राम को दिया है, तो इसका मतलब गया है, तो इसको हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया हमारा, कि रियल अकाउंट से अगर हमारे पास कोई रियल अकाउंट के टाइप का कोई अकाउंट आता है किसी भी एंट्री में, तो वो कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है, तो उसके लिए हम ये नियम फॉलो करते हैं। अब बात आती है हमारा थर्ड टाइप, थर्ड टाइप हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, अवास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, यानी जो केवल नाम में चलते हैं, उसके बिहाफ पे कुछ और चीजें कम ज्यादा हो रही होती हैं, लेकिन वो टाइटल की अगर हम बात करें तो वो केवल नाम में चलते हैं, जैसे एक्सपेंसेस कोई शेप नहीं होती, लॉसेस कोई शेप नहीं होती, इनकम कोई शेप नहीं होती, प्रॉफिट कोई शेप नहीं होती, लेकिन होता तो है। ठीक है, तो जितने भी हमारे खर्चे और हानियां हैं उन्हें चेक करो, और अगर वो निकलते हैं कि हाँ वो मेरे खर्चे और हानि है, तो हम उसको कहां कर देंगे, डेबिट के अंदर लिख देंगे। और अगर हमारा कोई इनकम है या प्रॉफिट है तो उसे हम चेक करेंगे, आय और लाभ, और अगर वो पता चलता है कि हमारा आय है या लाभ है, इनकम है या प्रॉफिट है, तो हम उसे कहां लिख देंगे, क्रेडिट में। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पहला एग्जाम्पल, सैलरी पेड, वेतन दिया, तो हमारा खर्चा, कंपनी का खर्चा हुआ कि क्या हुआ, खर्चा हुआ भाई, हमने जब सैलरी दी है तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, टेलीफोन बिल पेड, तो भैया टेलीफोन का बिल चुकाया, तो ये भी तो खर्चा ही है, फायदा थोड़ी ना है कोई कि टेलीफोन का बिल दिया तो उल्टा पैसे हमें मिलेंगे, तो इसको भी हम कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह थर्ड में प्रॉफिट रिसीव, हाँ भाई प्रॉफिट मिला है, ये मेरा फायदा है ना, आय लाभ है, तो हम इसको कहां पे करेंगे, क्रेडिट में। इसी तरह चौथे पे देखो, ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे भी सैलरी, दोनों सेम है, लेकिन देखो अंतर है, यहाँ सैलरी पेड है यानी चुकाई है, यानी मैंने अपनी जेब से पैसा दिया है, और यहां पर क्या है, सैलरी रिसीव्ड है, तो इसका मतलब ये पैसा हमें मिला है, तो हमारा फायदा हुआ या खर्चा हुआ, डेफिनेटली हमारा फायदा हुआ, तो हम यहां पे सैलरी को क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी नेचर देखो उस टाइटल का, क्या है वो नेचर, है ना, अगर वो नेचर है हमारा खर्चे का तो हम उसे डेबिट में कर देंगे, और अगर वो नेचर है हमारा आय या लाभ का तो हम उसके क्रेडिट में कर देंगे, जैसा कि हमने यहां पर किया है। तो दोस्तों अभी हमने जो सीखा है वो तीनों तरह के जो हमारे खाते हैं उन्हें डबल एंट्री सिस्टम के कौन से नियम के अनुसार कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है, वो चीज हमने सीखी है। अब हम अप्लाई करते हैं, किसी एक एंट्री को लेके चलते हैं और अप्लाई करते हैं इस फॉर्मेट के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या कहा, मशीन परचेस्ड फॉर कैश 5000, ठीक है। तो दोस्तों इस एंट्री को मुझे करने के लिए सबसे पहले मैं जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाऊंगा। लो जी हमने यहां पे फॉर्मेट बना दिया, ठीक है, ये लाइन खींच दी, ये डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये लेजर फोलियो जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और ये हो गया हमारा अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो देखो अब जैसे हमारी ये एंट्री है, मशीन परचेज फॉर कैश, यानी हमने मशीन खरीदी है नगद 5000 रुपए देकर, तो यहां पर देखो दो पक्ष हैं इसमें, एक तो हो गया मशीन और एक हो गया हमारा पक्ष कैश, ठीक है। और देखो दोनों ही किस टाइप के खाते हैं, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा। मशीन परचेज का मतलब मशीन मेरे पास आई है, और फॉर कैश, नगद के लिए मशीन खरीदी है, यानी कैश हमारे पास गया है, तो
रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी चीज आई है उसे डेबिट कर दो, जो भी चीज कही है उसको क्रेडिट कर दो। तो क्या आया हमारे पास? मशीन। तो मशीन को तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले डेट डाल देते हैं, मशीन को हम कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और तो कुछ डेबिट नहीं हो रहा, नहीं। दूसरा पक्ष कौन सा है? कैश। कैश हमारा गया है क्योंकि मशीन खरीदे तो पैसा दिया होगा। तो क्रेडिट को लिखने का तरीका क्या है? थोड़ा स्पेस छोड़ो, टू लिखो और कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख दो कितना, 5000 रुपए, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दो कितना, 5000 रुपए। ठीक है, अब थर्ड में मैं नरेशन लिख देता हूं, फॉर मशीन परचेस्ड। ठीक है, तो ये हमारी यहां पर एक एंट्री पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी यहां पे समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि यहां पर अभी एक सिंपल सी एंट्री मेरे पास थी जिसमें बहुत इजीली मैंने पता लगा लिया कि इसमें दो पक्ष हैं, एक तो मशीन का पक्ष है और एक कैश का पक्ष है। लेकिन आगे अगर हमारे पास और भी एंट्री आई है तो बहुत ज्यादा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है हमें कि कब कौन सी एंट्री डेबिट होगी, या सॉरी कब किस एंट्री के अंदर कितने पक्ष हमने यूज करें, कितने खाते हमने यूज करे हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम उसको जब यही नहीं समझ पाते कि हमने इसमें कितने खाते इस्तेमाल करें, इस एंट्री में हमारे पास कितने खाते आए हैं, तो हम उन खातों को यहां इंप्लीमेंट करेंगे कैसे जब हमें यही नहीं पता कि कितने खाते उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर मैं इन तीनों खातों के रूल को बेस बना के एंट्री करना चाहूं भी तो मेरे से बार बार गलतियां होंगी क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊंगा ये किससे संबंधित एंट्री है, इसमें कितने पक्ष का इस्तेमाल किया गया है। तो हम इस काम को और इजी करने के लिए क्या करते हैं, अपने जर्नल एंट्री के पूरे प्रोसेस को हम कुछ चैप्टर में डिवाइड कर लेते हैं और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हम इसे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा बिजनेस स्टार्ट करने का चैप्टर, जिसमें ओनर ओनर किस तरह से इन्वेस्ट करके बिजनेस को शुरू करता है ना, उस बिजनेस द्वारा ओनर द्वारा जो बिजनेस पैसा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं और उस एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है, उसमें किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। इस तरह से फिर अगली स्टेप होगा हमारा माल को खरीदने का और खरीदे हुए माल को हम वापस कैसे करते हैं। उससे अगला स्टेप होगा हमारा गुड्स सोल्ड यानी माल को बेचने का और बेचे गए माल की अगर वापसी हो जाती है तो उसको कैसे लिखते हैं। फिर उससे अगला चैप्टर होगा हमारा सभी पेमेंट्स तरह की ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे। फिर उससे अगला स्टेप होगा सभी रिसीव्ड वाली ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। उससे अगला स्टेप होगा सभी डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। उससे अगला स्टेप होगा सभी बैंकिंग बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। उससे अगला हमारा होगा सभी एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो इन सभी स्टेप्स में रूल यही फॉलो होंगे जो मैंने बताया आपको तीनों तरह के खाते में, कैसे कैसे, जैसे ये पर्सनल अकाउंट का रूल होगा, अगर पर्सनल अकाउंट इसमें यूज का तो रूल उसके लिए यही यूज होगा, कोई चेंज नहीं होगा रूल। इसी तरह वास्तविक खाता अगर उसमें कोई है, रियल अकाउंट अगर उस एंट्री में कोई है तो उसके लिए नियम ये वाला होगा, नॉमिनल अकाउंट है तो उसके लिए नियम ये वाला होगा, यानी रूल यही तीनों यूज होंगे, इसके अलावा कोई भी चौथा रूल यूज नहीं होगा। लेकिन हमारे पास सभी तरह की मिक्स अगर एंट्री आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन से खाते यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, इसीलिए फिर नियम भी यूज नहीं कर पाएंगे हम। तो इससे बचने के लिए इसे और इजी बना दिया गया है कि हम इसको स्टेप बाय सीखेंगे। तो ये जो हमारे 8 स्टेप्स हैं इसमें हमारी सारी तरह के जनरल एंट्रीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी जो हम आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमारा इतना सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों देखा आपने, आज हमने जो अपने चैप्टर में सीखा है वो सीखा है कि प्रोसेस और मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं हमारे अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं इसके बेस पर हम अपना अगला चैप्टर हम सीखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगा। उस चैप्टर का नाम होगा कि हम बिजनेस स्टार्ट से रिलेटेड एंट्री यानी कैपिटल ऑनर्स इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम उस स्टेप को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीवियस वीडियो आपके पास आपको आपने अगर नहीं देखे हैं वो भी आपके नॉलेज तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, उसे आप चेक कर सकते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियोस प्रीवियस वीडियोस के बारे में वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।